bye bye move bete. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग एंड आई होप सब बढ़िया होंगे। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप पर जिसका नाम है सहस्त्रधारा। एक्चुअली एक वाटर रिसोर्ट कह सकते हैं आप, है पानी में नहाने की जगह। तो फिलहाल हम वहीं पे जा रहे हैं अपने साथियों के साथ। तो एक बार फिर से हमारा ग्रुप इकट्ठा हुआ है। तो गाइज, हम मिलते हैं आपको अब सीधा वहीं पर जाके। आई होप आप सब इसके बारे में जानते ही होंगे। ये लगभग देहरादून से 15 किलोमीटर है, 15 से 18 किलोमीटर। एंड हम सब जा रहे हैं बाइक पे, 6 बंदे हैं हम। तो चलिए आपको मिलते हैं सीधा सहस्त्रधारा में एंड दिखाते हैं रास्तों में कुछ छोटे मोटे नज़ारे। हम पहुंच चुके हैं सहस्त्रधारा और अभी जा रहे हैं पार्किंग साइड में। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे कुंड। तो ये जो लाइन में आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे सब पार्किंग का स्टेशन है। चलिए कैमरा को फ्लिप करते हैं। यहाँ की मेन मार्केट इसी के इधर इस साइड में आसपास नहाने का है। तो ये देखिए, और इधर से मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए सर जी, ये रहा, सही है। हम फैमिली के साथ यहाँ प्यारा। हम पहुंच चुके हैं सहस्त्रधारा और ये रहा नहाने का। और मिस्टर अनुज ने शुरुआत कर दी है। ये देखिए पानी गहराई अभी पता चल जाएगी। ये
इतना गहरा नहीं है बट स्टिल वी कैन एंजॉय। क्या बात है, नहीं गहरा? ज़्यादा मज़ा आया नहाने में। हम लगभग दो घंटे यहाँ पे रुके हैं, दो से ढाई घंटे। अभी फाइनली हम चल रहे हैं और हमारे साथी लोग सब तैयार हो रहे हैं अभी, क्योंकि एक लिमिट होती है नहाने की भी। तो कहने की बात यह है कि हम कंप्लीट बहुत बहुत देर तक नहा चुके हैं। एंड आप ये देखिए बाल वाल, क्योंकि यहाँ पर कोई फैसिलिटी तो नहीं है, शैम्पू तो अलाउड नहीं है यहाँ पर लगाना। तो अभी ठीक है, बस अभी हम घर को निकल रहे हैं एंड घर पे शादी का फंक्शन है और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सभी तैयार हो रहे हैं। तो ये देखिए सभी वाले। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और दिखाते हैं आपको जल्दी से। अभी मैं हूँ देहरादून में, जैसे कि आपको सबको पता ही है। तो चलिए अभी हम यहाँ से निकल